आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो पर विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। श्रोताओं नमस्कार, सहकार रेडियो पर विचारों की यात्रा में आज आपके साथ मैं हूं पवन। मित्रों, आज आप सुनेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक बहुत ही सुंदर कविता, तुम्हारे साथ रहकर। सहकार रेडियो के लिए इसे रिकॉर्ड किया है पत्रकारिता से जुड़ी दिल्ली की साथी जया निगम ने। तो आइए सुनते हैं ये कविता, तुम्हारे साथ रहकर। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं, हर रास्ता छोटा हो गया है, दुनिया सिमट कर एक आंगन सी बन गई है जो खचाखच भरा है। कहीं भी एकांत नहीं, न बाहर न भीतर, हर चीज का आकार घट गया है। पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रख आशीष दे सकता हूँ। आकाश छाती से टकराता है, मैं जब चाहूं बादलों में मुंह छिपा सकता हूं। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहां तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का और धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वो नियति की नहीं, मेरी है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के विचार यात्रा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता तुम्हारे साथ रहकर, आवाज थी जया निगम की। तो कल कुछ नए विचारों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए अनुमति मुझे यानी पवन को। नमस्कार। सुन रहे थे सहकार रेडियो पर विचार यात्रा। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के कार्यक्रम सीधे अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप अकाउंट नंबर 9617226783 पर अपना नाम और संक्षिप्त पता लिखकर भेजें। तो सुनते रहिए सहकार रेडियो।